इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 सीजी बोर्ड एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो पूरा दो फ्रैक्शन है उन दोनों का माइनस इक्वल होगा 4 कॉट थीटा मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा। ठीक है, सो इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। सो यहाँ यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करके हमको राइट हैंड साइड लाना है, फिर ये हमारा जो रिलेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में थोड़ी थोड़ा इजी हो। नाउ अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ये फ्रैक्शन है ये एक फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों में डिफरेंट टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। सो इन दोनों का एलसीएम होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के बाद डिनोमीटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा डिनोमीटर है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमीटर 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ पे जो न्यूमेरेटर है 1 प्लस कॉस थीटा, उसको ये जो बचने वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का माइनस, अब अगेन इसके डिनोमीटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। सो ये यहाँ पे प्लस वाला टर्म है तो ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा को फर्दर हम न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ये और न्यूमरेटर जो हमारा आंसर आया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे थ्री आइडेंटिटी एक साथ लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी ए प्लस बी। सो हर जगह मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। सो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपका पहले टर्म का आइडेंटिटी लग गया, माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह में कॉस थीटा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये एक और आइडेंटिटी लग गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह में cos थीटा तो cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस का प्लस कॉस थीटा स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड 1 का 1 स्क्वायर का 1 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो सिंपल ये एक मैथ्स का रूल है कि किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के आगे तो नेगेटिव साइन नहीं है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़। फिर ये 1 क्या है, पॉजिटिव, माइनस के कारण नेगेटिव,
ये 2 cos थीटा नेगेटिव है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव cos थीटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाला टर्म जो है वो sin स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव में है 1 नेगेटिव में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस 2 cos थीटा नेगेटिव प्लस 2 cos थीटा पॉजिटिव, ये दोनों आपस को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या हमारे पास सो ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये एक फर्दर मिस्टेक हो गया सो इसको नेगलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये 1 का 1 प्लस का प्लस 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये ब्रैकेट माइनस, अब ये 1 पॉजिटिव था यहाँ के नेगेटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए 1 नेगेटिव में है 1 पॉजिटिव में है, या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सो जो हमारे पास बचा था उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 4 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सो यहाँ पे हम अब चारों को अलग अलग लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन कितने बार होगा 2 बार, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 4 बाय 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा, ठीक है तो 1 बाय 4 का 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कॉस बाय साइन का कॉट थीटा मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 बाय साइन का कोसेक थीटा, जो कि हो जाएगा 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड। सो अब हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड रिलेशन इज प्रूव्ड,